ये तो बाल भी सफेद हो गए इतने, देखो कुछ काम ही नहीं हो रहा, कर क्या रहे हो तुम यार? अरे मैंने कर तो रखा है, वो देखो बाहर दिख रही है ना, उनकी डेली स्कूल जाती है अकेले, इसको पकड़ना है। और उससे क्या होगा, कौन है वो लड़की को पकड़ के क्या होगा? अरे उसका बाप है डॉक्टर और उसकी माँ है इंजीनियर, बड़ा माल है। इस बार बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है मैंने। अच्छा। अभी जाना है हमने उसके पीछे और उसके मम्मी पापा को। तो कुछ पता है कहाँ पढ़ती है? अरे वो वहाँ रहती है ना, दीन दली स्कूल में। अच्छा अरे वो जा तो रही है अकेले, उसके पीछे चलते हैं, उसको ऐसे ही बैठा लेंगे, कोई मेरे को शक नहीं करेगा। कपड़े मैंने क्लासी पहने हुए हैं आज, तो खतरनाक रही है आज तो। तभी तो, क्योंकि उसके वो क्लासी है ना, वो बेटी भी तो क्लासी है, कोई शक नहीं करेगा कि कौन ले जा रहा है। एक काम करते हैं, मैं बोल दूंगी ना, मेरे बन जाता ड्राइवर, ऐसे में ड्राइवर वाले गेटअप में हूँ, मैं बन जाता हूँ ड्राइवर, ठीक है? आप बन जाओ मैडम। और उसको कैसे, उसे कुछ दोगे क्या, कैसे करोगे? अरे मैं बोलूंगी ना, मैं आपकी न्यू मैम आई हूँ स्कूल का, सुन ऐसा करना है, मैं मैडम बन रही हूँ, मैं उसकी स्कूल की न्यू मैम हूँ, ठीक है ना? तो उसे लगेगा, उसको क्या पता, वो तो आ ही जाएगी ना। माँ बाप जब स्कूल ऐसे छोड़ रहे हैं स्कूल जाने के लिए, ये बात तो सिखाया नहीं होगा, किसी के साथ बैठना नहीं है, अकेले जा रही है, ठीक है ना? तो मैं बैठा लूंगी, मैं बोलूंगी स्कूल की मैडम हूँ मैं, कार वार में आ रही हूँ, समझ जाए। बाहर लोग की आवाज सुन लेंगे हमारी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाना उसके पीछे और सीधे रखना है, वो स्कूल जाएगी नहीं आज। अच्छा चलो, ये भी सही, चलो फिर चलो। स्कूल बस में? हाँ। क्यों? मैं स्कूल जा रही हूँ। इतने दूर से देख रही हूँ मैं, आप कहीं दूर से आ रहे हो आप? हाँ। स्कूल जा रहे हो, आपने शूज क्यों नहीं पहने हुए हैं? मेरी मम्मी पापा ध्यान नहीं रखते हैं। आपका ध्यान नहीं रखते मम्मी पापा? क्या करती हैं आपकी मम्मा? मेरी मम्मा इंजीनियर है, मेरे पापा डॉक्टर है, स्कूल खुद जाती हूं, खुद कपड़े पहनती हूं। आप पैदल जा रहे हो स्कूल? मम्मी पापा ने आपके लिए वैन या फिर कोई साइकिल कुछ ला के नहीं रखा है? ऐसे क्यों करते हैं आपके मम्मी पापा? क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह चले जाते हैं। आप कौन से स्कूल में रहते हो? हेरिटेज फाइट मॉडल स्कूल। ओह वाओ, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैंने आपको पूछ लिया। वाओ, मैं भी तो उसी स्कूल में आपकी टीचर हूँ, आपकी न्यू टीचर आई हूँ मैं। कौन सी क्लास में रहते हो? ओह माय गॉड, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। चलो मैं आपको स्कूल लेके जाती हूँ। ओके ओके। ओह वाह, कितनी अच्छी बात है ना, मैं आपको रास्ते में मिल गई। आप थक गई थी ना धूप में? हाँ ठीक है ठीक है, मैं आपको ले जाती हूँ। ओके देखो, ये मुझे छोड़ने आते हैं। ओके हाँ, ये इनका नाम है रामू, चाचू हैं ये आपके, ठीक है?
मैडम ये मैडम यही है आपकी नई स्टूडेंट? यस ओके ठीक है भैया चलो ठीक है स्कूल से पहले कुछ अगर भूख तो नहीं मेरी आपको कुछ खाना है आप बैग उतार दो क्या खाओगे ओके आपको कुछ खाना है ओके मेरे पास एप्पल है तो उससे पहले मैं ग्लव्स लगा लेती हूँ ओके मुझे ग्लव्स लगाना पड़ेगा ना है ना नहीं तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी एप्पल खा के ऐसे है ना जम्स हो जाते हैं ना हैंड्स पे तो मैं ग्लव्स लगा लेती हूँ ठीक है ओ मैंने तो एप्पल घर ही छोड़ लिया चलो घर चले पहले ओके चलो फिर घर चलते हैं घर चलते हैं घर में हम क्या करेंगे आप ऐसे करना आप आज स्कूल मत जाना ठीक है आप मेरे घर पे रहना और हम मम्मी पापा के साथ प्रैंक करेंगे ठीक है हाँ। आपको मैं आज घर नहीं भेजूंगी मम्मी पापा के साथ हम प्रैंक करेंगे ओके ओके लेट्स गो चलो भैया बहुत अच्छा वाला गेम खेलेंगे ओके मैं आपको घर में छुपा लूंगी फिर आपके मम्मी पापा आएंगे और हम उनसे क्या लेंगे ये लेंगे हम ये क्या है ये है बहुत बड़ा वाला गेम ठीक है उसके बाद मैं आपको अपने मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगी ओके ओके लेट्स गो आंटी ये क्या है ये गेम है खेलोगे आप मेरे साथ हाँ। नहीं आप रहने दो ठीक है मैं आपको देती हूँ दूसरा देती हूँ ठीक है आपको ये मैं आपके नोज पे लगाऊंगी आपको मैं सब कुछ बताऊंगी ठीक है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा आप जल्दी चल घर पे आगे का प्लान भी तो करना है ठीक है बढ़िया रहा ये तो बहुत अच्छा रहा हाँ। बहुत अच्छा रहा ये तो है ना हाँ तो कुछ कर भी नहीं हुआ